वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। कॉल्स मौजूद थी, ब्रेक पे भी हम कॉल पे बात कर रहे थे। और डॉक्टर साहब, ये बताइए, रिजवाना साहिबा ने एक सवाल पूछा था कि क्या लड़कियों की साइकिल्स पे इसका कोई असर होता है, इस बीमारी का? नहीं, इसका लड़कियों की साइकिल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता जनरली बीमारी से, और आम हालात में उनका फर्टिलिटी रेट यानी कि बच्चे प्रोड्यूस करने का जो एक रेट है वो भी उतना ही, फर्टिलिटी भी फर्टिलिटी भी मुतासर नहीं होती है, नहीं होती है। नहीं होती। मगर ये है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द चाइल्ड एंड द पेशेंट बोथ मोर ऑफन ठीक देन अ है, यूजुअल पर्सन। एक कॉलर है शबाना साहबा, बहुत देर से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना साहबा, वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी जी? थी। जी आप बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। मेरी बेटी SLD की पेशेंट है अच्छा, क्या उम्र है उसकी? और तकरीबन 5 साल की थी वो, तो उनके साथ कुछ ना कुछ मसले चलते थे। कभी हड्डियों में दर्द होता था उनके, कभी बुखार, कभी गला खराब, इस तरह होते होते तकरीबन अब मेरी बेटी की एज है तो 14 ईयर्स। अच्छा, और उनके साथ ना डेल्टा हमने खिलाई, बहुत डेल्टा खिलाई हमने, उनके हिप जॉइंट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गए। अब उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक में तो उन्होंने रॉड डाली है एक टांग के अंदर उन्होंने, और दूसरी टांग में से उन्होंने गोला निकाल दिया इनका। तो अभी भी डॉक्टर ये कह रहे हैं टेम्परेरी हमने करा है इनको, अभी 18 साल की होंगी तो उनका जो है ना पूरा हिप चेंज होगा। तो अभी मेरी बेटी जो है उसमें चल रही है, वॉकर पे चल रही है। आपका पहले तो बहुत अफसोस हुआ सुन के। बताइए आपकी साहबजादी की अभी उम्र क्या है? 14 14 14। और आपका सवाल क्या जी है उसके हवाले से? जी सवाल क्या है आपका इस हवाले? सवाल ये है कि SLE के बारे में मुझे मालूम करना था कि SLE ये कहाँ कहाँ इनको, हमने किडनी का भी मसला इनके साथ कभी हो जाता है, जी कभी जी कहीं हो बिल्कुल, जाता है, कभी मल्टी जिगर के सिस्टमिक बराम आ बीमारी जाता है। है, जी। हर जगह जो है इनके साथ जो है ना होता रहता है, कोई ना कोई पेन होता रहता है इनको। तो हम जो है ना बच्ची को मेडिसिन खिला खिला के बहुत परेशान हो गए, वो भी बिल्कुल खुद परेशान हो गई है बच्ची में भी बहुत, ठीक है जी, और बहुत ना उनको शुक्रिया। तकलीफ खत्म नहीं हो रही किसी अभी तरह अभी डॉक्टर साहब SLE ऐसे की। पूछते हैं, अभी पूछते हैं। हमने मेडिसिन भी सेल्सर वगैरह खिला रहे हैं, डेल्टा खिला रहे हैं, न्यू कैप खिला रहे हैं, बिल्कुल FT2 अभी खिला रहे मैं हैं। पता करता हूँ शबाना साहबा। अल्लाह ताला आपकी साहबजादी को अल्लाह ताला सेहतियाब करे। डॉक्टर साहबा ये बताइए, ये जो अलामतें बताई हैं आपने शुरू में, और अलामतें दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, जोड़ों से भी इसका कोई ताल्लुक है, डायग्नोसिस का क्या तरीका है, किस बेसिस पर डायग्नोस करते हैं? एक दफ़ा अलामतें दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखिए अलामतें मैंने कहा कि कुछ जो कॉमन होती हैं वो होता है कि उनको बुखार जैसी कैफियत होती है, बुखार होने लगता है, उसके बाद मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, स्किन में रैशेज होने लगते हैं और बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, ये तो इनकी कॉमन अलामतें हैं। और जोड़ों में दर्द होने लगता है, कभी कभार सूजन के साथ आते हैं। बाकी जो होते हैं वो हम उनको ब्लड टेस्ट पे देखते हैं, उनके ब्लड टेस्ट में उनकी हीमोग्लोबिन लो होती है, खून के ज़रात गिरने लगते हैं। कभी कभार लोग सिर्फ हेडेक्स के साथ आते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की किडनीज के साथ प्रॉब्लम के साथ आते हैं, और वहाँ से हम पिक करते हैं कि किडनी में प्रोटीन आ रही है और इसको क्यों आ रही है। यंग पेशेंट है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इसको लूपस है, इसकी वजह से इसकी किडनीज ख़राब हो रही हैं। तो अलामत कुछ तो बेसिक होती हैं जैसे कि बताया, और कुछ जो होती हैं फिर हम उनको ब्लड टेस्ट के तहत पक करते हैं उनको। अब जहाँ तक ये इस बच्ची का भी ताल्लुक है, ऐसे पेशेंट्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादातर होता है कि एक तो बीमारी का मसला, फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ड्रग्स लॉन्ग टर्म। अब जो दवाई इसकी क्या है? इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं दी जाती हैं उनको, सबको इम्यूनो सप्रेसेंस या इम्यूनो और मॉड्यूलेटर कितने अरसे थेरेपी, तक लेनी पड़ती है? जनरली ये लाइफ टाइम होती हैं, जनरली सारी ज़िंदगी खानी लाइफ पड़ती लॉन्ग। हैं, लाइफ लॉन्ग होती हैं। और उसमें ये है कि कभी कभार दवाइयाँ कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, डिपेंडिंग अगेन कि आपकी डिजीज़ क्या एक्टिविटी क्या ये है। जो अभी बता रही थी शबाना साहब अपनी साहबजादी का, कि इनके जो जॉइंट्स हैं, एक तो टांग में बिल्कुल, रॉट पड़ी हुई है, दूसरा तो वॉल ही निकाल दिया गया है, क्या कॉम्प्लिकेशन दवाइयों की इस हद ये तक? दवाइयों ये एक्चुअली जो देखें उनको होगी काफ़ी सीवियर डिजीज़, और ये मैंने एक दफ़ा नहीं
दो चार केसेस मैं ऐसे देख चुकी हूँ पाकिस्तान में, 5 साल की उम्र से इसको जी इस तरह से होता है। और ये लोग क्योंकि इतनी छोटी उम्र से, जबकि हड्डियाँ इतनी नरम होती हैं, दवाइयाँ खा रहे होते हैं कि हड्डियाँ और नरम होने लगती हैं और कमज़ोर पड़ जाती हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली स्टेरॉइड्स ऐसा सबसे ज़्यादा करती हैं। मगर अगेन मैं जहाँ ये वर्ड स्टेरॉइड्स यूज़ करूँगी, सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने वाले भी हम लोग ये होते हैं। मगर उस वक्त प्रिस्क्राइब भी हम तब करते हैं तब चारा नहीं रहता और हमें ज़रूरी होती है। सो उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हड्डियाँ और कमज़ोर होती रहती हैं। मगर अब ये है कि ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है और बच्चे बेचारे बैठ। अब ये बताइए आखिरी मिनट, बिल्कुल आखिरी अब कुछ लम्हात हैं कि SLE के जो मरीज़ हैं उनको लाइफ लॉन्ग दवा तो लेनी पड़ी, क्या क्या एहतियात करें जो बीमारी की प्रोग्रेशन से या बीमारी की सिवियरिटी से बचें, लाइफ स्टाइल में क्या इनकी किन चीज़ों से एहतियात करें, ग़िज़ा या कोई और? ग़िज़ा तो देखिए हमेशा आपको अच्छी ग़िज़ा खानी, जैसे एक आम पेशेंट को कहते हैं। अब ये SLE के फ्लेयर्स जो है ना वो किसी चीज़ से भी हो सकते हैं। कोई अंडर स्ट्रेस आ गया, अक्सर बच्चों को ये होता है कि जी पता चले एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम के स्ट्रेस से उनको फ्लेयर हो गया। बट वी हैव टू रिकग्नाइज कि ये दवाई का असर है कि फ्लेयर हुआ है। कभी कभार ये होता है कि उनको कोई इन्फेक्शन है, फ्लू का सीज़न है, फ्लू हुई, इन्फेक्शन हुई, उससे हो गया। कभी कभार ये होता है कि कोई भी ऐसी वजह, प्रेग्नेंट हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी भी हम उन्हें कहते हैं तब करें जब उनकी डिजीज़ नॉर्मल हो रही हो, ठीक हो रही हो। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो कि विच कैन ब्रिंग अबाउट अ फ्लेयर। डॉक्टर सालिया, दिल तो नहीं चाह रहा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इस टॉपिक पे मज़ीद बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आई, और दुआ करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रही हैं अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे और इस्तेकामत दे, और आप यहीं मुल्क में रह के अपने ही लोगों की खिदमत करें, हमें आप जैसे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जब भी ऐसा प्रोग्राम करता हूँ तो मैं एक दरख्वास्त तमाम लोगों से करता हूँ, वो लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह ताला का लाख क्या करोड़ों क्या अरबों दफ़ा शुक्र अदा करें कि आप महफूज हैं। लेकिन अगर आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों अकारिब में किसी इंसान को ऐसी बीमारी है तो उसकी हेल्प कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि अगर आपकी बीवी को तो है तो आप उसको तलाक दे दें, या कोई और आपका जानने वाला है तो उससे क़त ताल्लुक़ कर लीजिए, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आ जाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी है आजमाइश। अल्लाह ताला किसी को कुछ दे के आज़माते हैं और किसी को ना कुछ दे के आज़माते हैं, ठीक है। तो आपको सेहत दे के आज़मा रहे हैं, उनको सेहत नहीं दी, उनको बीमारी दे के आज़मा रहे हैं, तो सबकी आजमाइश है। कल इंशाल्लाह ताला बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर, खुसूसन ख़ारिश के वाले से, गर्मी आ गई है, स्केबीज़ भी है, इसके अलावा गर्मी दाने भी हैं और एक्ने की भी प्रॉब्लम गर्मी में बढ़ जाते हैं। तो कल हम स्किन डिसऑर्डर से बात करेंगे। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ की फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पर जाइए क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सब्सक्राइब करके अपने सवाल से हमें आगाह करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।